नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजवेद क्लासेस पर। तो हम करें क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.18 LM पैरेलल CP एंड LN पैरेलल CD, प्रूव दैट AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AB। फिगर 6.18 में आपको LM पैरेलल CB दिया है, वह LN पैरेलल CD दिया है और आपको प्रूफ करना है AM बाय AB, यानी ये वाला AM डिवाइडेड बाय ए फुल इक्वल टू AN अपॉन फुल डिवाइडेड बाय फुल AD। तो ये रेशियो आपको प्रूफ करने हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए गिवन, गिवन क्या है? इन फिगर 6.18 LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD, जो आपको दिया हुआ सेम वही लिख दीजिए। यानी फिगर 6.18 के अंदर LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD ये दिया है। टू प्रूव, प्रूव क्या करना? AM by AB इक्वल टू AN by AD, यानी AM by AB इक्वल टू AN by AD। तो हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, ABC के अंदर LM पैरेलल CB है, तो BPT के हिसाब से ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये। ओके, उसके बाद सेकंड ट्रायंगल में आएंगे ACD में, अगेन LN पैरेलल CD बाई BPT, ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये बीच वाली दोनों में आ रही है, ये बाई ये उसके साथ भी ये बाई ये है और ये बाई ये उसके साथ भी ये बाई ये। इसका मतलब इससे हम आ जाएगा भाई AM बाई MB और AN बाई ND ये बराबर है, और ये बराबर होने के बाद हम इनको AM बाई MB इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, MB बाई AM उल्टा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला उल्टा, और उसके बाद दोनों तरफ हम 1 को ऐड करके प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल CB, ये जो ट्रायंगल ABC है ABC, इसके अंदर LM पैरेलल CB क्यों है? क्योंकि इट इज गिवन। अगर LM पैरेलल CB है तो BPT के हिसाब से AM by MB, AM by MB ये वाले AM by MB इक्वल टू AL by LC इक्वल टू AL by LC ये होंगे, यानी AM by MB इक्वल टू AL by LC क्यों? By BPT, अब इस सेकेंड ट्रायंगल के अंदर आजिए, इन ट्रायंगल ACD LN पैरेलल CD गिवन, ट्रायंगल है ACD, इसमें LN पैरेलल CD दिया हुआ है, तो फिर AN by ND इक्वल टू AL by LC, AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC है, क्यों है ये? बाय BPT। तो ये हमारी पहले वाली है, ये होगी इक्वेशन 1 होगी हमारी, और ये इक्वेशन 2 होगी। अभी दोनों में देखिए, आप AM बाय MB AL बाय LC के बराबर है, यहां भी AN बाय ND, ये भी AL बाय LC के बराबर है, दोनों AL बाय LC के बराबर, यानी ये दोनों भी बराबर हैं, यानी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एक और दो से हमें क्या मालूम लग रहा है? ये मालूम लग रहा है कि AM बाय MB इक्वल टू AN बाय ND, AM by MB इक्वल टू AN by ND, AN by ND ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। अभी मैं उल्टा लिखता हूं इसको,
नीचे वाला एमबी है इसको ऊपर करता हूं, ऊपर वाले को नीचे करता हूं, है ना। एमबी बाई एम, एमबी बाई एम, एमबी बाई एम इक्वल टू एनडी बाई एम इक्वल टू एनडी बाई एम। ये किस लिए किया मैंने, या ए बी व ए डी लाने के लिए। दोनों तरफ हमने वन ऐड कर दिया, इस तरफ भी वन और इस तरफ भी वन, तो क्या हो जाएगा, ये होगा एम बी बाई ए एम इक्वल टू, इसके साथ में वन ऐड कर दिया हमने, प्लस वन इक्वल टू एन डी बाई ए एम, इसके साथ ही प्लस वन कर दिया, दोनों तरफ हमने वन ऐड कर दिया, साथ में लिख दो बाई एडिंग एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, बाई एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। अभी इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ गया ए एम, ए एम एलसीएम आ गया, ए एम से ए एम कट गया तो एम बी बचा यहां पर एम बी, क्योंकि बेसिकली मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं, एम बी और ए एम को जोड़ना चाहता हूं जिससे कि ए बी बन जाए, एम बी हो गया प्लस ये वन है यानी वन बाय वन, यानी ए एम की वन से मल्टीप्लाई होगी ए एम इक्वल टू, यहां पर अगेन एलसीएम ले लिया हमने ए एन, तो यहां बच गया एन डी प्लस वन इंटू ए एन ई एन। अब ये बताइए आप एम बी प्लस ए एम क्या है, एम बी प्लस ए एम यानी ये तो ए बी है, तो इसकी जगह मैं ए बी लिखूंगा, ये हो गया ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू एन डी प्लस ए एन क्या है, ये एन डी प्लस ए एन, ये तो ए डी है तो इसके जगह ए डी लिखूंगा, ए डी अपॉन ए एन। हमें प्रूव क्या करना था, ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी, अभी ये उल्टा है ना, तो इनको एक बार उल्टा कर दो, तो जब उल्टा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी उल्टा कर दिया, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी, ए एम बाई ए डी, और यही हमें प्रूव करना था कि ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी। होप समझ में आया होगा, अगर मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर मैथ्स।